उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 3 दिवसीय दीपोत्सव की तैयारी तेज हो चुकी है, जिसके चलते राम की पैड़ी पर सजावट और रंगाई पुताई का काम तेजी से हो रहा है। बताया जा रहा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी तैयारी कर ली गई है। राम की पैड़ी पर अनवरत जल प्रवाह शुरू हो गया है। दीपोत्सव के कार्यक्रम को पूरा करने की जिम्मेदारी अवध यूनिवर्सिटी को मिली है। इस बार यहाँ राम मंदिर निर्माण की झलक भी देखने को मिलेगी। 15x25 फीट के आकार का राम मंदिर मॉडल भी रखा जाएगा, जिसे दीपों से सजाया जाएगा। राम दरबार का रेखा चित्र भी प्रदर्शित होगा। बताया ये भी जा रहा है कि दीयों को सजाने में 10,000 वॉलंटियर लगेंगे, जिसमें 4,000 छात्राएं शामिल रहेंगी। वॉलंटियर के शारीरिक परीक्षण के लिए 25 डॉक्टरों की टीम लगाई जा रही है। सरयू नदी के 24 घाटों पर 6,00,000 दीयों को सजाकर जलाने वाले वॉलंटियर की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। साथ में मास्क व सैनिटाइजर उन्हें दिया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अयोध्या शोध संस्थान व संस्कृति विभाग ने जो कार्य योजना तैयार की है, उसमें इस साल के दीपोत्सव में विदेशी रामलीलाओं की कमी जरूर खलेगी। अयोध्या शोध संस्थान के निर्देशक डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इंटरनेशनल फ्लाइट न शुरू होने के कारण इस साल यहां 6 देशों के रामलीला दल नहीं पहुंच पाएंगे। बताया जा रहा है कि 11 नवंबर से ही सांस्कृतिक व रामलीला के कार्यक्रम भजन स्थल पर शुरू होंगे, जहां दिल्ली, झारखंड, मुंबई, लखनऊ की रामलीलाओं के साथ सांस्कृतिक दल अपने कार्यक्रम पेश करेंगे। 11 नवंबर को दिल्ली का यश चौहान का रामलीला दल, 12 को ऐशबाग लखनऊ की रामलीला व 13 नवंबर को कविता तिवारी का काव्य पाठ व मुंबई की जुड़वां बहनें लवकुश प्रसंग का प्रस्तुतिकरण होगा। 13 नवंबर को दिन में राम कथा के मुख्य प्रसंगों को दर्शाने वाली 11 झांकियां निकलेंगी। इस बार राम कथा पर ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन होगा। समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।